रमजान की आमद से कबल मुर्गी की कीमतों के ऊपर लग गए हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमत 280 रुपए तक जा पहुंची है। मुर्गी की कीमतें ज्यादा होने के बाइस मुर्गी फरोश भी परेशान है। आपको अपडेट करें डेरा गाजी खान से, जहां मुर्गी की कीमतों को पड़ लगे, इसी वाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा रोही आशिर इश्वाक से। आशिर बताइएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मुर्गी मंडी में मौजूद हैं और यहां पर जो मुर्गी की गोश्त की जो कीमतें हैं वो ज्यादा हैं, जिसके बायस जो शहरी हैं वो तो परेशान हैं ही, मगर अब दुकानदार जो हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं। मुसलसल पिछले दो रोज से जो कीमतें हैं 280 रुपए के हिसाब से मुर्गी का जो गोश्त है वो यहाँ पर फरोख्त किया जा रहा है, जिसके बायस जो ग्राहक है वो मुर्गी की दुकानों पर रुख करने के बजाय जो सब्जी की दुकानें हैं उनके ऊपर नजर आते हैं। जो दुकानदार हैं वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा भाईजान बताइएगा, मुर्गी का रेट दूसरा दिन है ज्यादा, क्या मुश्किलात हैं आप? सर मुश्किलात ये हैं कि पहले तो सरकारी रेट हमारा 274 खरीद है, 275 रुपये रेट आ रहा है। दुकानदार क्या करें बताओ, ग्राहक को कहते हैं 280 और लेता नहीं हो, कहते लिस्ट के मुताबिक जुर्माना कर देते हैं हमारे ऊपर। अगर हम 2 रुपये भी ज़्यादा बेचें तो हमारे ऊपर 6,000 का 10,000 का जुर्माना कर देते हैं। फूड वालों ने तंग कर रखा है, फूड वाले लिस्ट कोने बनवा लिए हैं, लिस्ट बनवा ली, लाइसेंस बना लिया, फिर उसके बाद भी जुर्माना कर देते हैं। अब बताए कहाँ जाएँ, गरीब लोग आए, ये किन घरों मैंने माल ही नहीं उतरवाया, रेट महंगा था मैंने माल नहीं उतरवाया, ये शापर आपके सामने पड़ा, मैं वहाँ से दुकानदार से दूसरे में सस्ते माल में मिनते करके उससे लेके आया, मैंने माल नहीं उतरवाया, मेरी दुकान में जाके देख सकते हैं आप, महंगे की वजह से ग्राहक भी नहीं है और महंगा रेट है, लिस्ट भी देखे हुकूमत की तरफ से आ रही है।